नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर की बड़ी खबर के साथ। फिर आपके सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे गुजरात को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक बड़े नेताओं की पूरी लिस्ट जारी कर दी है जो करेंगे चुनाव प्रचार। दोस्तों बताएंगे आपको कौन कौन से युवाओं का नाम इसमें शामिल है। इसी के साथ में ओवैसी और आम आदमी पार्टी के जबरदस्त तरीके से पोल खुलती दिखाई दे रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता ने नामांकन रैली में नरेंद्र मोदी की रैली से दोगुना भीड़ जुटा लिया। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़े नेता के आने का कर रही थी इंतजार, लेकिन 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं इस्तीफा देकर टाटा बाय बाय कर दिया है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें जगह दी गई है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि सबसे ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिखा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। ये सारे के सारे प्रचार करेंगे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि युवा नेताओं को भी मौका दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर से लेकर सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ में उनके दोस्त जिग्नेश मेवाड़ी भी प्रचार करते नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ में आदिवासी समुदाय के बड़े नेता अनंत पटेल, जिन पर हमला हुआ था और बड़ा मामला बन गया था, वो भी प्रचार करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने युवा वरिष्ठ नेता सभी का एक जोड़ चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि बहुमत हासिल कर पाए। और इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से बीजेपी को गुजरात के चुनावी मैदान में पछाड़ना चाहती है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायकों के खिलाफ ओवैसी और केजरीवाल ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर वोटों को बांटने की पूरी साजिश कर ली है। और इस पर आम आदमी पार्टी और AIMIM के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जहां पर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार है, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार ये दोनों पार्टियां क्यों उतार रही है? क्या सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों वही आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने पर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरीके की नारेबाजी उनकी रैली में जो की जा रही है, हमारे लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी बड़े सपने सजो रही थी, और आम आदमी पार्टी के नेता दो दिन पहले कह रहे थे कि कुछ बड़ा खेला हम करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राज्य के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, इस तरीके के कई सारे दावे किए जा रहे थे, और ये सारे दावे बिना पैर के हवा में तैर रहे थे। दोस्तों और अचानक से ये सारे जमीन पर आकर गिर गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी, जो आजकल जेल में बंद है, और उनकी सबसे बड़ी सेना अर्बुदा सेना ने बड़ी बड़ी रैलियां करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लोगों को लग रहा था कि अर्बुदा सेना और विपुल चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अर्बुदा सेना के प्रमुख आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। दोस्तों जो सपना सजोकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी, वो सारे सपने तोड़ दिए गए हैं। और अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि अर्बुदा सेना के प्रमुख आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये जानकारी दी जा रही है कि विपुल चौधरी और उनकी अर्बुदा सेना चुनाव में ही ना उतरे, और हो सकता है कि चुनाव में नहीं उतरने के एवज में कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन किया जा सकता है। तो इस तरीके की रणनीति सामने आ रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा तगड़ा झटका था, लेकिन उसके बाद और तगड़ा झटका गुजरात के अंदर अपने ही लोगों ने दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के ST प्रकोष्ठ ने अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में बैठकर गुजरात की राजनीति करते हैं, उनको एक बड़ा मैसेज भेजा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ST प्रकोष्ठ के सेक्रेटरी किरण कुमार बसावा ने अपने कई पदाधिकारियों और 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से गुजरात को चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे नेता बिखरते चले जा रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही थी, हो सकता है नोटा से ज्यादा वोट आ जाए, वो भी उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता गनीबेन ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले एक नामांकन सभा रखी थी, जिसमें तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, जो अपने आप में एक तरीके से उनकी लोकप्रियता का बखान कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको कांग्रेस पार्टी ने वाप विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने रैली का आयोजन किया था। दोस्तों जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, अच्छे अच्छों के माथे चकराने लगे हैं कि क्या नामांकन रैली में भी लाखों लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात में ऐसा ही देखने को मिला है। अब बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सीट पर इससे पहले कांग्रेस पार्टी की नेत्री गनीबेन ठाकुर ने बीजेपी के कैंडिडेट को जबरदस्त तरीके से मात दी थी, और अब बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। हालांकि कोई नतीजे बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री और किसानों के नेता आपस में भिड़ गए। दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता चडूनी ने बयान देते हुए कहा कि 24 तारीख को हम रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कहा सभी केस तो हम वापस ले। दोस्तों किसानों ने 24 नवंबर को अंबाला में रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्री भी इस पर बयान देने लगे हैं। अब
देखते हैं इस मामले पर आगे कितना घमासान मचता है। रिकॉर्ड बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 22 नवंबर को अमरेली और वसांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके जनसभा की पूरी तैयारी हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली स्थल पर घूम रहे थे दोस्तों, और सारे हालात का जायजा लेते हुए पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से रैली का प्रबंध किया जाएगा, कहां पर गेट होगा, कहां मंच लगेगा और कितने लोगों की आने की क्षमता वाला ये मैदान है। इस तरीके से पूरी डिटेल इकट्ठा की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि 20 तारीख को राहुल गांधी मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं और 22 तारीख को वो खुद गुजरात पहुंचने वाले हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर अपनी ही पार्टी बनाकर राज्य में नई तरीके की राजनीति करने वाली बीटीपी पार्टी के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उनके बेटे निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यानी बसावा और उनके बेटे के बीच में चुनावी जंग देखने को मिल रही है। एक नए तरीके का समीकरण बैठ रहा है जहां पर पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। साथ साथ दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध क्या प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके बंद करवा दिया था, ये बयान बीजेपी के नेता जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह ने दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रहे कन्हैया कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के फोन पर एक बागी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया बल्कि वो चुनाव लड़ा, लेकिन मीडिया वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के फोन करने से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। और इस तरीके सवाल उन्होंने खड़ा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह दावा किया था, और इसी तरीके का दावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी किया था। और इन दोनों कद्दावर नेताओं के बयानों को देश के विदेश मंत्रालय ने खंडित कर दिया है। आपको बता दें कि विडंबना यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया क्या प्रधानमंत्री मोदी के फोन करने से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके बावजूद अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता के बीच में जाकर क्या झूठ बोल रहे हैं, ये खुलकर अब सामने आने लगा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की माने तो विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है। नीलाभ कुमार को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी महागठबंधन के बीच की सीधी लड़ाई में विकासशील इंसान पार्टी कुछ बड़े इलेक्शन के रिजल्ट में बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को महागठबंधन ने मैदान में उतार रखा है। बीजेपी का अपना उम्मीदवार है, विकासशील इंसान पार्टी किसके वोट काटेगी ये देखने वाला विषय रहेगा। वहीं पर मुस्लिम महिलाओं को बहन बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी बिल्किस बानो को क्या मानते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। खासकर गुजरात के चुनाव के मद्देनजर इन सवालों को और जोर शोर से लोग उठा रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त सवाल पूछते हुए गुजरात सरकार और नगर पालिका को जमकर अपने निशाने पर लिया है। गुजरात सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है दोस्तों। बता दें कि गुजरात में मोरबी के मच्छू नदी पर बने पुल के टूटने के बाद 134 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और नगर पालिका के साथ साथ भाजपा की राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर नोटिस थमाकर जवाब मांगा गया था दोस्तों। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर मंगलवार बीते दिन बयान देते हुए कहा कि मोरबी नगर पालिका होशियार बनने की कोशिश ना करें। हाईकोर्ट ने पूछा कि 2016 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया, नया टेंडर क्यों नहीं लाया गया, ये सवाल पूछा गया दोस्तों, जिसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। और धीरे धीरे मोरबी का ये मामला और बड़ा बनता जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो सानस से बीजेपी के उम्मीदवार कन्हूभाई पटेल ने अमित शाह की उपस्थिति में दाखिल किया है नामांकन। आपको बता दें कि अमित शाह कुछ एक नेताओं के नामांकन में जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले सानस से बीजेपी के उम्मीदवार कन्हूभाई पटेल के नामांकन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े संकेत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद आप लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या इसीलिए बीजेपी के नेता अमित शाह कन्हूभाई पटेल के नामांकन में गए हैं दोस्तों, क्योंकि कन्हूभाई पटेल अभी तक कोई खास बड़े नेता नहीं है, लेकिन अगर अमित शाह उनके नामांकन में बैठे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि राज्य की जनता 27 साल के शासन को अंत करने के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राजकोट में कांग्रेस पार्टी के नेता बोले कहा बीजेपी के इशारों पर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और पुलिस बुरी तरीके से बिहेव कर रही है। साथ साथ दोस्तों मैनपुरी और खतौली के बाई इलेक्शन को लेकर बीजेपी अगर फोन करेगी तो अपना प्रत्याशी बिठा लूंगा, ये बयान दिया है सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने। लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शिवपाल यादव के करीबी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना कार्ड खेलते हुए शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से स्टार प्रचारक बना दिया है दोस्तों। तो एक तरीके से अखिलेश यादव भी जानते हैं कि कैसे बीजेपी के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि बीजेपी ने अगर शिवपाल यादव के करीबी को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बनाकर सामाजिक दबाव में शिवपाल यादव को अपने साथ में दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी। एक तरीके से अच्छा जवाब बीजेपी को दिया गया है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई सारे एमएलए हमारे संपर्क में है, जल्द कुछ बड़े ऐलान हम लोग करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर चुनाव का बिगुल फूकने जा रही है दोस्तों, और उससे पहले इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति में सनसनी मचा रहा है। अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा।
रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो